हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करके चलेंगे, जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि रैखिक चर वाले एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करके चलते हैं। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा, बहुत ही मजेदार और अच्छा क्वेश्चन था। उसमें हमने पूरा आपको बारीकियां से समझाया, जब उसका वेरिफिकेशन हमने किया, यानी LHS इक्वल्स टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड किया, तब भी आपने देखा वहां पे कैलकुलेशंस का यूज हुआ और बहुत अच्छी तरीके से हमने उसमें भी कैलकुलेशंस की और उस कैलकुलेशंस के चीजों को सीखा। फिर आपने एक चीज और सीखी कल की, माइनस के बाद हमेशा आदत डालने की, ब्रैकेट लगा ले। इसके पीछे की कहानी भी मैंने आपको बताई कि ऐसा क्यों हम करते हैं, है ना। बट ये है कि माइनस के बाद हमें ब्रैकेट लगा देना होता है। नाउ नेक्स्ट, अब हमारा क्या था बच्चों, अब हमारा है, आज हम करेंगे कुछ और तरह के क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस होंगे, और फिर उन सब क्वेश्चन को जितना हमने पढ़ा है मिक्सअप करके आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स पे भी आएंगे, कुछ टाइम और लेंगे हम इस चैप्टर्स के लिए। उसके बाद वर्ड आपकी इसमें ना 2.656 एक्सरसाइज है बुक में, 2.4, 2.5, 2.6, तो सारी एक्सरसाइज कवर हो रही है इसी में, जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ना, तो सारी एक्सरसाइज कवर हो रही है। प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स की जो एक्सरसाइज है वो हम अलग कवर करेंगे सारी मिलके, है ना। तो अभी 2.6 कवर हो रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जब आप कुछ गवां बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को ना गवाएं, तो उससे प्राप्त शिक्षा को ना गवाएं, यानी कि आप कुछ हारते हैं, कहीं आप हार जाते हैं, कहीं आप टीम मैच है, कहीं आप हार जाते हैं, कहीं सिंगल मैच आप हार जाते हैं, या फिर आप कुछ गवां बैठते हैं, आपको लगता है कि मेरे को इसमें इतने स्कोर करना था बट मैं इतना नहीं कर पाया, तो आप वो गवां बैठे, तो उससे प्राप्त शिक्षा, उसको आप, उससे आपको क्या सीख मिली, उससे आपको क्या सीख मिली, ये मत गवाइए, है ना। यानी कि उस पर वर्क करिए, कहां जहां आपसे गलती हुई है उस पर फोकस करिए, उस पर वर्क करिए, ठीक है। आपको ज्यादा टाइम उस पर देना है जहां आपसे गलती हुई है, जिस कारण आप उस चीज को गवा बैठे हैं, तो उससे जो प्राप्त शिक्षा है उसको आप ना गवाएं। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों, मैंने कल क्वेश्चन दिया था, है ना, क्वेश्चन हमने कल कुछ किए थे, आज फिर एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। अब देखेंगे कि आप कितने अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और सब करेंगे। देखिए क्वेश्चन लिख देता हूं, सब लिख लेंगे। 3 t minus 2 upon 4 minus 2 t plus 3 upon 3 equals to 2 by 3 minus t। करो इसको सॉल्व, करिए इसको सॉल्व फटाफट। चलिए फटाफट, करिए इस क्वेश्चन को, सारा आप ट्राई करेंगे इसमें। ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको आपको करना है। चलिए हुआ, अगर हो गया है तो आप इसको क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन, अब हमें क्या करना पड़ता है। अब मैंने आपको वही चीज बोली थी भाई, वही चीज जो आपको कल तक हमने सिखाई, वही चीज यहाँ पे भी आने वाली है, ठीक है। इस चीज को सीखने के लिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमने कल ये चीज सीखी थी, तो इसी को हम सीखेंगे। और इस, क्योंकि क्वेश्चन मैंने क्या था, कितने बच्चों के आंसर आए वो देख लेते हैं पहले, है ना, चैट के माध्यम से कितने आंसर आए आप लोगों के, वो आप बता दीजिए। इक्वल्स टू था हमारे पास 2 by 3 minus t, ये क्वेश्चन हमारे पास था, 3t minus 2, ठीक है, माइनस 2t plus 3 upon 2 3 minus t, ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमारे पास था, तो इसको कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, आइए वो देखते हैं। अब वो कैसे, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 और 3 का एलसीएम लेंगे बच्चों, क्यों एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि हमें इसे इक्वल करना है, तो 4 और 3 का एलसीएम होगा 12, ठीक है, कैसे भाई, 4 एकम 4, 4 दुनिया 8, 4 3 12, है ना, जब आपस में दो छोटी टेबल होती है तो उन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12। अब इसको 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो पर भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 minus 2, अब यहां माइनस है, ठीक है, यहां माइनस है, इसको बनाने के लिए 4, तो
हमेशा बोला था माइनस का ब्रैकेट लगाते हैं हम, है ना, तो बट ये ब्रैकेट लगाएगा, ब्रैकेट में आएगा 2t+3, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से, है ना, 3 चौके 12, ये 12 बनाने के लिए 4 से किया, तो इसको भी 4 से। इधर की कहानी में आएंगे, इधर t के नीचे 1 है, तो 1 और 3 का एलसीएम 3, तो ये 2 आ जाएगा, -1 × 3, तो t × 3 हो जाएगा 3t। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को, इतना चीजें क्लियर भी, क्या किया हमने, 4 और 3 का एलसीएम, बच्चों 4 और 3 का एलसीएम क्या था, 12 था। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम हमारे पास 12, और 12 इसको 12 क्या, 12 इसको 12 बना दे भाई, एलसीएम हम क्या प्लस माइनस तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे क्या हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, सॉरी हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो। तो इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है, तो इसको 12 बनाने के लिए मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई की पूरे फ्रैक्शन पूरे नंबर को, इसको 12 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई होगी, तो पूरे नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार से 3 और 1 का एलसीएम 3 होगा, तो इधर 2 − 3t हमने कर दिया। ठीक है, 3t कैसे आया, इसको 3 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। करें आगे सॉल्व, अब इसको सॉल्व करने, 3 3 9t − 3 2 6 − 4 × 2 8t − ± 12। क्लियर, क्या −4 × 2 − 8 और −± 12 इक्वल्स टू 2 − 3t/3। क्लियर, इसको और छोटा करते हैं, 90 − 8t, नाइनटी माइनस एट्टी टी माइनस माइनस प्लस माइनस 18/12, 2 − 3t/3। इतना क्लियर हुआ, t −18/12 इक्वल्स टू 2 − 3t/3। क्लियर, अब इधर करते हैं, अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद का फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लाई वाला होता है जो हम करते हैं, तो ये 3 इधर आ जाएगा, इसको यहां करा रहा हूं मैं, तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 −18, और ये इधर जाएगा 12 2 − 3t। क्लियर, 3t − 18 = 2 − 3t। अब इसको करेंगे 3 × 2t 3t − 54, 18 3 = 54 होता है, +12 2 = 24, 12 3 = 36 − 36t। इतना क्लियर, अब क्या करने वाले हैं, टी टी वाले एक साथ ले आओ, इसको इधर ले आओ, टी वाला परिवार +36t हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस में तो आएगा प्लस का हो जाएगा, इधर 24 ये इधर आ जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 36 + 3 39t, 4 4 8 ये जाएगा 78। टी क्या होगा आपका, 78/39। ठीक है, टी क्या होगा आपका, 78/39। अब टी 39 मुझे पता है, इसको 2 टाइम्स काटेंगे तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2। टी की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 2 आ जाएगी। ठीक है, तो टी की वैल्यू 2 आ गई, इसको कॉपी कर ले फटाफट, चलिए फटाफट टी की वैल्यू 2 आ गई, इसको कॉपी कर ले, थर्टी नाइन 2 जा 78, है ना, तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, इसको कॉपी कर ले फटाफट, अब जिसको जहां समझ में आए वो पूछ ले। इसमें एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं, ये टी इक्वल्स टू जो हमारा आया, ठीक है, बहुत इजी, देखिए इस बहुत सिंपल था, हमने यहाँ पे क्या ध्यान दिया कि माइनस के बाद हमने ब्रैकेट, कल आपको ये चीज सिखाई थी इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको, मैंने कल ये बताया था माइनस के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक है, माइनस के बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, तो माइनस के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ था ना, यहाँ कुछ नहीं था, तो माइनस के बाद ब्रैकेट, कल भी इस तरह का क्वेश्चन कराया था, कल अगर नहीं थे आप प्रीवियस क्लास में तो आप वो लेक्चर देख ले और आपको समझ में आएगा, उसको और बारीकी से समझा गया, आज इस पर हमने वर्क किया। ठीक है, अब इसका वेरिफिकेशन हम देखते हैं स्मार्ट बोर्ड में कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक है, टी की वैल्यू 2 आई है, तो उसको चलते हैं स्मार्ट बोर्ड में देखते हैं और वेरीफाई इसको हम करते हैं। चलिए, टी क्या आया मेरा बच्चों, 2 आया, है ना, वेरीफाई कर रहे हैं इसको, वेरीफाई यानी कि कॉपी
में अगर आ गया आपको सत्यापित करो वेरीफाई करो तो आप क्या करेंगे सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। हम क्या करें पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है ठीक है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। चलिए तो 4 और 3 का एलसीएम अब टी की जगह 2 डालना है तो डाल देते हैं 3 की जगह 2 -2/4 -2 t की जगह 2 + 3/3 3 2 = 6 -2/4 -2 2 = 4 + 3 2 2 = 4 + 3 7/3 तो इसको भी कर लेते हैं 6 - 2 कितना हो जाएगा 4/4 तो ये कट गया 4 से 4 यानी 1 - 7/3 1 - 7/3 इसको जरा सॉल्व करो मुझे बताओ कितना इसका आंसर है 1 - 7/3 का आंसर कितना आएगा फटाफट बताओ। चलिए तो 1 - 7/3 ठीक है तो इसका क्या एलसीएम आएगा इसका एलसीएम 3 होगा बच्चों तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 - 7 यानी कि आंसर आया -4/3 तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया -4/3। अब राइट हैंड साइड देखेंगे राइट हैंड साइड है 2/3 - t 2/3 - t तो 2/3 - t की जगह हमने 2 डाला क्योंकि t 2 है इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 3/2 इसको 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 3 से 2 3 6 तो 2 - 6 होता है -4/+-4 इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हम देखेंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड और हमारा राइट हैंड साइड क्या है बच्चों बिल्कुल बराबर है तो यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया तो हेंस वेरीफाई। हैंस वेरीफाई ठीक है तो ये हो गया। चलो पहले से कॉपी करो फटाफट। चलिए अब अच्छा इसमें मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि मैं आपको एक चीज और बताऊंगा है ना मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको एक चीज और बताऊंगा तो चलिए इसके लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और उसमें मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं उसको आप देखेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला था मैं आपको यहाँ फोकस करना बच्चों इस वाले पॉइंट पे फोकस करना इस वाले पॉइंट पे है ना इसके बाद बताता हूँ मैं आपको चाहे ये हो गया चाहे ये हो गया आप कुछ भी इसको भी ले सकते हो यहाँ से भी ले सकते हो यहां से भी ले लो यहां से बट हमने इसको फाइनल सॉल्व कर दिया तो मैं इसको यहां से ले रहा हूं ठीक है इसको मैं यहां से ले रहा हूं तो इसके बाद हम सॉल्व करके आपको बताता हूं कि क्या होता है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने की है ना इतनी बड़ी कैलकुलेशन हमने की हम इसको और छोटा कर सकते हैं। चलिए इसको इधर कंपेयर करेंगे क्लियर मैं केवल कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ ये तो हमने सॉल्व कर दिया -18/12 = 2 - 3t/3 ये था हमारे पास है ना तो नीचे से मिटा दो इसको मैंने ऊपर लिख दिया है। मैं आपको इसमें एक चीज ये बता रहा हूँ बच्चों कि आप इस कैलकुलेशन को और शॉर्ट कर सकते हैं आप इसको और अच्छे से इसको आप लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे वो आप ऐसे लिखेंगे कि अगर मैं क्या कर दूं देखो जब कभी भी डिनोमिनेटर क्या हो जब हर हर सेम हो डिनोमिनेटर क्या हो सेम और अकेला हो ठीक है सेम मतलब सेम से कहने का मतलब है कि पूरे के लिए ऊपर के पूरे के लिए ये है ठीक है और यहाँ भी ऊपर पूरे के लिए ये है ठीक है और इसमें कुछ नहीं है अगल बगल में प्लस माइनस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं 3/4 12 हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं 3/4 12 ऐसा क्यों कर सकते हैं देखो इसके पीछे की कहानी भी देखो अब क्या है अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ t - 18 ठीक है क्लियर। अब क्या है इस 12 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा भाई अभी डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो इधर बचेगा t - 18 2 - 3t/3 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो आप देख सकते हो इधर से भी कट ही रहा है ना 3/4 = 12 भाई इधर से भी कट ही रहा है इधर से भी तो कट ही रहा है 3/4 = 12 कि नहीं कट रहा है ना
तो कट रहा है 3 4 12, तभी तो मैंने उसको हमने डायरेक्ट कर दिया, 3 4 12 हमने डायरेक्ट काट दिया। आई बात समझ में? ये इसका एक तरीका ऐसा भी होता है, ये इसके पीछे हमने डायरेक्ट क्यों काटा, उसके पीछे का रीजन ये है, रीजन मैंने आपको दे दिया, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, वहां जाके भी कटना है तो डायरेक्ट इसको ऐसे काट लो। दूसरी चीज, कभी अगर ऐसा हो टी माइनस 18/12 प्लस 3t/6 इक्वल्स टू, इधर है 2 माइनस 3t/4, तो आप यहां से अब नहीं काट सकते बच्चा, 2 4 3 12 अब नहीं काट सकते आप, क्यों? क्योंकि बीच में क्या आ गया, अब ऐसे नहीं आपने काट दिया 4 3 12 काट रहे हो यहां से, नहीं बिल्कुल नहीं, क्यों? अब क्या है, अब यहाँ पे बीच में प्लस आ गया। अगर ये खाली होते अकेले, दो फ्रैक्शन अलग अपने आप में होते हैं, दो ठीक है, दो परिमेय संख्या अलग से होती, जैसे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या ये है ना, टी माइनस 18/12 2 माइनस 3t/3, अगर ये खाली अकेले अकेले और डिनोमिनेटर पूरे के लिए एक है तो आप इसको काट सकते हैं, ठीक है, तो आप इसको काट सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं कट कर सकते, ठीक है। धीरे धीरे क्या, प्रैक्टिस करके आपको चीजें आती रहेंगी, कॉपी कर ले इस चीज को। कॉपी कर लें अच्छे से, और ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, कॉपी कर लिया हो तो आप पूछ, आप समझ लें इस क्वेश्चन को, अगर कॉपी कर लिया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर एक्स प्लस 2/5 इक्वल्स टू 7 प्लस 5x/13, ठीक है, इसको सॉल्व करो फटाफट। कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको सॉल्व करके बताओ मेरे को। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको क्वेश्चन कॉपी करो पहले और इसमें ट्राई करो, ठीक है, पहले खुद से ट्राई करो सारे बच्चे, फिर मैं करूंगा, फिर आंसर मैच करेंगे हम लोग, और जिसके आंसर आ जाते हैं वो चैट के माध्यम से अपने आंसर दे सकता है। सारे बच्चे करेंगे, चलिए जिस किसी का भी आंसर है, और ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, आपको सब चीजें पता है, सब चीजें मतलब सब चीजें पता है कि कौन सी चीजें कैसी हैं। चलिए, किसी का हुआ आंसर दे सकता है। फटाफट चलिए, फटाफट फटाफट फटाफट, चलिए अब क्या है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। 4x+2/5, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, अब भाई इसमें तो शायद धीरे से क्रॉस मल्टीप्लाई होना है ना, बट क्रॉस मल्टीप्लाई तब तक नहीं होता बच्चों जब तक हमारा डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए, तो इधर डिनोमिनेटर सेम करते हैं पहले, है ना, तो इधर तो 5 है, सेम मतलब पूरे के लिए, तो इधर तो 5 ऑलरेडी है, तो इधर 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x+8/5, 4 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, इधर 13 एलसीएम आएगा भाई, 1 और 13 तो इधर 13 से मल्टीप्लाई होगी 13 बनाने के लिए इसको, तो ऊपर भी 13 से करना पड़ेगा, 13 7 91 प्लस 5x/13, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब डायरेक्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 13 की हो जाएगी 4x+8 इधर मल्टीप्लाई, और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 91+5x, ठीक है, तो 13 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 52x, ठीक है, प्लस 13 8 का कितना होता है, आप 39, 37 देखिए टेबल,
हाँ मेन चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, 8th क्लास में आप लोग हो तो आपको अब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप 13 गुणा 8 अलग से कर रहे हैं, ठीक है। 13 गुणा 8 अलग से बिल्कुल नहीं, आपको क्या है, आपको टेबल लर्न होनी चाहिए 20 तक, 15 तक तो मिनिमम होनी ही चाहिए, और अच्छे से अच्छा आप 20 तक की टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो 13 4 जा 52, 13 8 104 इक्वल्स टू 915, 5 1 जा 5, 9 5 जा 45, ठीक है। मल्टीप्लाई हमने कर दिया, प्लस 5 5 जा 25 x। अब x x वाले एक तरफ हम ले लेते हैं, तो हमने एक ही तरफ ले लिया, 52 x 25 x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारे पास इधर 455 माइनस 104। ये प्लस का 104 था बच्चों, ये माइनस का 104 हो जाएगा, इधर जब इक्वल्स टू के इधर आएगा है ना, तो 455 माइनस 104 ये हो गया। अब 52 माइनस 25 करेंगे हम, 52 माइनस 25 तो जाएगा 27 x, इक्वल्स टू 455 माइनस 104, तो ये हो जाएगा 1 5 3, 351 ये आ गया, ठीक है। तो अब क्या है बच्चों, अब देखो इसको देखें, हम ड्यूजिलिटी रूल देखते हैं, 5 और 3 8 1 9, 7 और 2 9, यानी कि 9 से ये कटेगा है ना, ये ड्यूजिलिटी रूल है, अगर आप लोगों ने पढ़े तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो मैं आपको सिखाऊंगा। एक्स इक्वल्स टू 351 अपॉन 27, 9 से इसको काट के देखेंगे सबसे पहले, 9 4 जा 36 छोटा हो गया, 9 3 जा 27, तो 27 में हमने अब क्या, अब बचेगा 8, तो 9 9 जा 81, ठीक है। उसी प्रकार से 9 3 जा 27, फिर कर जाएगा 13 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x की वैल्यू मेरे पास 13 आ गई, क्लियर। सॉल्व कर लो उसको, चलिए। तो अब क्या है, इसको आपने सॉल्व कर लिया, इसको चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप चेक कैसे करेंगे, x की वैल्यू 13 डाल देंगे, तो x की वैल्यू 13 हम डाल देते हैं, ठीक है। x की वैल्यू आप 13 डाल दें, इसमें बहुत सिंपल है, सिंपलीफाई लेफ्ट हैंड साइड, बहुत सिंपल, x की वैल्यू 13 डालो, 4 13 प्लस 2 15 अपॉन 5, और इधर 7 प्लस, x की वैल्यू कितने है 13 है ना, तो 5 इंटू 13 अपॉन 13, तो 13 से 13 कट गया है ना, तो 7 और 5 या तो 12 आ गया, और 5 दिए 15, 4 3 12 आ गया, देखो इक्वल हो गया। ये हम रफली भी कर सकते हैं, हमें प्रांत से चेक करना हो तो जरूरी नहीं आपको लिखना है ऑन सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, वो तब लिखोगे जब आपसे पूछा होगा कि वेरीफाई करके बताओ, एंड वेरीफाई तब आप तरीके से करोगे, नहीं तो आप फटाफट अपना आंसर चेक कर सकते हैं ऐसे कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने किए, और इसमें कल और मैं आपको फिर बोलने वाला हूँ, कल और क्वेश्चंस करेंगे, कल थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चंस और इससे हाई लेवल के एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको कल लेके आऊंगा, तो प्लीज बने रहे, कल उस क्वेश्चन को हम करेंगे, और आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस क्वेश्चन में करें, जो नहीं आता है आप हमसे पूछें, इस तरह के क्वेश्चन करें, और जो नहीं आता हमसे आप उनसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।